और वहाँ से दिखेगा पाकिस्तान का गांव। बैठना है क्या? बैठ जाइए। अच्छा, ऊपर से ले जाइए ना, फिर घर दिखता है। फिर जब आप घर देख लोगे, फिर उस जीरो पॉइंट हिंदुस्तान के आखिरी दुकान। बहुत भयंकर हिल रहा है पुल, गिरेगा तो नहीं? ये आगे आ रहेगा इसका ग्रो। भाई कितनी तेज आवाज कर रहा था ये। देखा, यही है लद्दाख। हाँ तो भाई अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ हुंडर में, यानी कि हुंडर ये एक रेगिस्तान इलाका है और यहाँ पे चलते हैं डबल हम कैमल। और सच में यार बहुत ही प्यारी जगह है ये हुंडर। अभी लंच का टाइम है तो सारे ऊँट ना वो उधर खेत की तरफ गए हुए हैं, सब वहाँ पे चर रहे हैं खाना ना। जो इनके जो चलाने वाले हैं ऊँट को, वो सब अपने अपने घर चले गए गांव के अंदर। और रोड और जगह देखो भाई, इतनी प्यारी जगह है सच में। ये देखो वो मेरी बाइक, सामने ऊपर तक पहाड़, वो पूरा रेगिस्तान, यहाँ पे पूरा ऊँट, डबल हम्प वाले जो ऊँट हैं वो चलते हैं। और काफ़ी सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, जो सी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। टेस्ट द थ्रिल ऑफ एटीवी राइड है यहाँ पे, और डबल हम्प कैमल राइड है। कैमल राइड तो रेगिस्तान में होती है, और एटीवी राइड जो है वो इस तरफ होती है, वो ट्रैक बने हुए हैं दूर दूर तक आगे। सच में बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत। ऐसी जगह कभी नहीं देखी, आज देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ अब, क्योंकि जैनुल भाई
आगे निकल चुके हैं, यानी कि डिस्किट की तरफ। वो इधर नहीं आना चाह रहे थे और मुझे ये जगह देखनी थी, इसलिए मैं आ गया हूँ। अब वो डिस्किट में मेरा वेट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे है डिस्किट, तो वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं और मैं इधर अंदर कट गया था। वो देखो मेन रोड वो है, उस रोड से अंदर आना पड़ता। तो वो देखो गाड़ियाँ आ रही, तो मेन रोड वो है। तो चलो, आप लोग ने देखा इतनी खूबसूरत जगह, और अभी हम मिलते हैं डिस्किट में। डिस्किट से फिर हम जाएंगे पैंगोंग लेक। तो बस अभी मिलते हैं। भाई अब तक की सबसे सुकून वाली जगह यही है, इतना सुकून लग रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारी जगह है ये। पूरा इधर रेगिस्तान है, बालू का रेगिस्तान। ये देखो ऊंट, डबल हम। मगर इसका साइज ना बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा है बच्चे हैं। पहली बार देख रहा हूँ ये डबल हंप कैमल। रोड से यार काफी अंदर आना पड़ता है। काफी अंदर जाना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर अंदर, तब वो डबल हम कैमल आपको दिखाई पड़ेगा। देखो ये रोड गया है अंदर जाने का, मैं इधर से गया था, घूम के पीछे से निकला हूँ अंदर। अंदर याद रखना डबल हम कैमल अगर सवारी करनी है तो। हम लोग डिस्किट पे वापस आ चुके हैं और अब यहाँ से पैंगोंग लेक दिखा रहा है 153। तो नेटवर्क भी आ चुका है यहाँ पे, एयरटेल का पोस्टपेड का जो नेटवर्क है वो वापस आ चुका है, और तुरतुक में नेटवर्क नहीं चलता है, ओनली BSNL। बाकी देखो आज पैंगोंग में कौन सा चलेगा, एयरटेल का पोस्टपेड चलता है या नहीं, वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। और अभी यहाँ डिस्किट में जो है पोस्टपेड का नेटवर्क चल रहा है। तो ये वही कल वाली जगह है, यहाँ हम लोग ने कल रुके थे, चाय पिया था, ये सब बैठे हैं जैनुल भाई लोग। इधर पीछे देख लो, और वो खड़ी मेरी बाइक। टाइम हो चुका है 2 बज गया पूरा पूरा, 2 बज चुका है। अब बस यहाँ पे 15 मिनट जो आलू पराठा बोला है वो खाएंगे, भूख लग रही थी। और 15 मिनट के बाद यहाँ से 9:00 to 11 पैंगोंग के लिए। अभी बस 1 किलोमीटर पे जो है जहाँ पे टी पॉइंट है, जो रास्ता कटता है पैंगोंग के लिए और तुरतुक के लिए, और एक रास्ता जाता है CHN बेस कैंप, वो तीनों का रास्ता वहीं से। तो उसी चौराहे पे पेट्रोल पंप पड़ता है, तो वहीं पे अब हम लोग गाड़ी में फ्यूल फुल कराएंगे और उसके बाद निकलेंगे पैंगोंग की तरफ। और अभी ना बहुत हालत ख़राब हो गई है, बस पूछो ना। कंटिन्यू राइड करी है अभी पूरे ठीक 90 किलोमीटर की, 90 का पूरा 100, क्योंकि हम लोग वहाँ से करके आ रहे हैं, थांग से राइड करते हुए आ रहे हैं। हाँ, यहाँ से ठीक नेट 100 किलोमीटर है, यानी कि जहाँ पे अभी हम बैठे हैं ठीक यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद हिंदुस्तान ख़त्म हो जाता है, पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता है।
तो वो लोग हम लोग हो ही आए हैं, आप लोग ने देखा ही होगा। तो चलो कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो भाई अपना लंच हो गया, यहाँ हमने आलू पराठा खाया और चाय पिया, पानी पिया। अब यहाँ से 153 किलोमीटर का सफ़र स्टार्ट होता है। वापसी का रास्ता हमने इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि पिछले व्लॉग में हम कवर कर चुके थे। तो जो वापसी मतलब पिछले व्लॉग में जो लास्ट एंड वाले जो पार्ट नहीं देखा था वो मैंने सवेरे दिखा दिया था, फिर बीच में मैंने नहीं दिखाया इस वजह से क्योंकि वो पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। और इसी बहाने मेरे कैमरे की बैटरी भी बच गई ताकि आगे आपको लेह वाला जो रास्ता है वो दिखा सकूँ। बिस्किट में हम लोगों ने लंच तो कर लिया, अब यहाँ से जो टी पॉइंट आता है ना वहाँ हम लोग पेट्रोल फुल कराएंगे। वैसे आधा टैंक तो मुझे लग रहा है, फिर भी नो रिक्स क्योंकि पेट्रोल पंप जल्दी मिलते नहीं हैं यहाँ पे। फ्यूल करा के बस निकलते हैं। ATV राइड, ये जो राइड है 4.5 किलोमीटर की राइड है, सिंगल का 1200। सिंगल का तो भाई अगर आपको जिप लाइन करनी है ना, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जिप लाइन, उसका फेयर है 3500 और जो ATV गाइड है उसका सिंगल पर्सन का 1000 है और 2 पर्सन का 1200 है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम लोगों को लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पहुँचना है पैंगोंग। तो लो भाई नुब्रा वैली फीलिंग स्टेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। फ्यूल कराते हैं और आगे बढ़ते हैं। टैंक फुल हो चुका है और 520 रुपए का मेरे में तेल आया है। पानी लो, प्यास लग रही बहुत जोर। अरे बाप रे, यहाँ से रास्ता पैनमिक 35 टाइगर नुब्रा वैली। कहाँ जा रहे हो? पहले रोड पता कर लो, रोड पता कर लो पहले, तब जाओ आगे। अच्छा हुआ रुक गए थे। ये शायद सियाचिन बेस कैंप वाला रोड है। बिस्किट राइड आज
ये यही चौराहे से फिर से राइट ही जाना है और आगे से बोल रहे हैं 7-8 किलोमीटर पे पेंगोंग का रास्ता जाता है। तो भाई ये जाता है एक खारदून की तरफ और ये जाता है शक्ति अघाम यानी कि पेंगोंग वाला रूट। अब हम लोग आ चुके हैं पेंगोंग वाले रूट पे और जो खारदून वाला रोड है वो इधर ही है ये ऊपर। ट्रैफिक कम मिलेगा क्योंकि जिस रोड पे अभी हम लोग चल रहे थे तो वो मेन रोड था यानी कि बिस्किट ले तुरतुक खारदुंगा वाले जितने भी लोग थे वो उसी रोड से आते जाते हैं। ये रोड थोड़ा सा कट गया है तो इसमें ट्रैफिक बहुत ही कम है, उसमें बहुत था, इसमें दूर दूर तक इक्का दुक्का गाड़ी अगर आ गई तो आ गई, अब सुकून आएगा थोड़ा। मगर रेती रोड तो बना हुआ है मगर रेतीला रोड है। उतर आए भैया नीचे और उतरते हैं साथी वाटर क्रॉसिंग। पानी तो नहीं गया अभी बच गया। इस रोड पे बहुत वाटर क्रॉसिंग आएंगे बहुत। ये कहो कि अब ये थोड़ा सा पुल बन गया है, पहले ना इसी से जाते थे लोग भीगते भागते। ये देखो ये यहाँ पे आयरन ब्रिज भी हो गया, ये पहले बताओ इसको पार करते थे लोग भाई। सही है सही है सही है, थैंक यू भैया रो सबकी हेल्प करते रहो और रोड बनाते रहो। ये कहाँ आ गए जंगल में साहब। ओहो हो कैसे पार होंगे कल कल कल। पैर मत रखना, पैर मत रखना शक्ति आगाम, पैर मत रखना। ओ एक और आ गई एक और आ गई एक और आ गई, ये बड़ी गहरी वाली है भाई। क्रॉस कर लिया आराम से, फिराई 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 फिराई। ए याले में पानी चला गया थोड़ा सा, खैर धूप बहुत तेज है सूख जाएगा। मगर ये वाला देखो ओ
भाई ये भी निकाल दिया, फिर आई फिर आई फिर आई। ये रोड वाली है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक वाटर क्रॉसिंग, अनगिनत है भाई वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे तो। अब दूर तक कुछ नहीं है शायद, हाँ दूर तक वाटर क्रॉसिंग नहीं ना, सीधा रोड है, स्ट्रेट रोड है। बहुत देर बाद एक अच्छा सा स्ट्रेट रोड आ चुका है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं यार इतने अच्छे रोड में। भाई साहब कितनी तेज चला रहे हैं यार ये लोग, थोड़ा सा रास्ता तो देखो निकलने के लिए। ये ले भाई खुला आसमां है, ये खुला आसमां। ऐसे ही रोड रहे तो मजा आ जाए यार। अबे फिर पहाड़ी वाला आ गया, फिर चलो ऊपर, बहुत ऊपर गया ये तो। देखो गाड़ी जा रही है, फिर से चल गया ऊपर। इतना बेहतरीन रोड आया था, खुला खुला। ओहो फिर चल जाओ मन्ना आराम भाई, तुम तो नंबर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। 23 अभी तक 17 ही हुए हो, इतना लंबा खींच दिया। ये देखो क्या रोड है, ओ बाप रे बाप, बहुत खतरनाक है भाई रोड। देखो रोड के ही पैसे हैं, वो छाई भी आ गई, थोड़ा इससे तो आराम मिला। एक गलती सीधे नीचे, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, भयंकर खानी है। कमजोर दिल वाले बिल्कुल मत आना, वरना कमजोरी के लायक ही नहीं बचोगे। पुल आ गया, पुल पुल पुल, ओ भाई साहब अब तो जरा सा भी ना गड्ढा गुड्ढा आ रहा है तो बहुत लग रही है। बैठे थक गए, आज रुके बहुत कम है। एक तो 100 किलोमीटर का उधर का पैच मारा, 130 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे स्टॉप लिया था, पराठा वराठा खाया था, यानी कि मैक्सिमम 15 मिनट रुके हुए हैं। अब हम लोग फिलहाल फिर से लैंड हो चुके हैं, वो पूरा पहाड़ से नीचे उतरे हैं और फिर से प्लेन रोड स्टार्ट होते हुए पहाड़ियों की चोटियों की
पहाड़ों का सीना चीरते हुए हम लोग आ चुके हैं पेंगोंग वाले मेन रूट पे। जाने की यही है पेंगोंग जाने का रास्ता। भाई आप गाड़ी लगा दो ना, गाड़ी।